मार्केट में ब्लैक बार्क रिटेल इन्वेस्टर्स के सबसे लाडले शेयर्स यानी कि अदानी ग्रुप में लास्ट टू डेज में आपने देखा होगा 20-20% तक की गिरावट उनके सारे शेयर्स के अंदर देखी है, यानी कि डाउन सर्किट आ रहा है। तो क्या इसी तरीके से गिरावट अगर आती रही तो नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर क्या इनके शेयर्स जीरो हो जाएंगे या स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, और वो भी मजे की बात, बजट से पहले? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे क्या रीजंस थे अदानी शेयर्स के इतने भारी भरकम गिरावट के? ऐसा क्या हुआ जिससे अदानी के 7 स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, जहां पे एक ही दिन में 46,000 करोड़ का मार्केट कैप लॉस किया? ऐसी कौन सी खबर आई जिससे अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइजेस और इवन अदानी टोटल गैस तक 20% का फॉल आया और अदानी जी तीसरे नंबर से सीधे फिसल के 7वें नंबर पे पहुंच गए। 2017 में इंफोसिस यानी कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी और साथ ही साथ पराई इंडस्ट्रीज के अंदर जो कोलैबोरेशन था, इसके ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया गया था कि बॉस इनके अंदर कोई डील नहीं होगी, कोलैबोरेशन इनका टूट जाएगा, जिसके वजह से इंफोसिस में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन उस न्यूज को भी हटाकर मार्केट ने कम से कम 288% तक का आरओआई अब तक दिया 2018 के बाद। फिर 2019 में टाटा स्टील जॉइंट वेंचर कोलैप्स न्यूज के कारण फिर से आपने देखा होगा कि टाटा के सभी स्टॉक्स पंचर हो गए थे, यानी कि अच्छी खासी गिरावट आई थी, जबकि आज की डेट में पिछले 2 साल से 7x का रिटर्न इस पर्टिकुलर ग्रुप ने बनाकर दिया है। 2021 में भी एक खबर आई थी अदानी को लेकर कि जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था अदानी के शेयर्स पे, जहां पे NSE ने खुद 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर बैन कर दिया था, फ्रीज कर दिए थे उनके अकाउंट की, भैया आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। क्या हुआ? बदले में एक दिन की गिरावट आई और एक दिन के गिरावट के बाद मार्केट में वापस बाउंस बैक आया और उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 4 times का रिटर्न ये कंपनी आपको दे चुकी है। इन 3 एग्जांपल के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब जब इस तरीके की फियर न्यूज, सेंटिमेंटल न्यूज आपके पास डिस्क्लोज किया जाता है, आपके पास बर्स्ट होता है, तब तक आप पैनिक में आते हो और इस पैनिक को बड़े ऑपरेटर्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है कि दोबारा वो अपने नए हाई पे या नए स्तर पे बैठ जाता है। तो आप इस हिस्ट्री से समझिए और सीखने की कोशिश करिए और दोबारा वो गलती मत करें और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके आप भी इन स्टॉक्स के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करके मोटा पैसा बनाने का सोच सकते हैं। इन 3 एग्जांपल के बाद आपको ये समझ में आया कि जब जब मार्केट में इस तरह का गिरावट आता है इस तरह के न्यूज़ के वजह से, वहां से दोबारा बाउंस बैक होता है मार्केट और दोबारा नए ऊंचाई की तरफ चल पड़ता है। अब फ्राइडे को जो आपने एक अच्छा खासा फॉल देखा हमारे अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स के अंदर, उसके पीछे जो गिरावट का रीजन है वो न्यूयॉर्क की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म, यानी कि बात करूं कहीं फिरंगी तो नहीं है, यानी कि फिरंगी फर्म हिडनबर्ग द्वारा आई की एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि अदानी साहब ने पिछले 3 सालों में अपनी 7 लिस्टेड स्टॉक से $100 बिलियन से ज्यादा का नेट वर्थ बढ़ाई है और ये सब उनकी 10 सालों से चली आ रही फ्रॉड और मैनिपुलेशन के कारण ही हो पाया है। अब चलिए वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लेते हैं कि अदानी के अगर शेयर गिरा तो हमें क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस आपको LIC और उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में LIC ने 4% का स्टेक अपने अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर इंक्रीज किया था। इसका जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है वो सीधे की सीधे बैंक के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, यानी कि अदानी ग्रुप ने करीब करीब 70,000 से 80,000 करोड़ का लोन अपने शेयर्स को गिरवी रखकर यानी कि प्लेज करके यानी कि उसके अगेंस्ट में इन्होंने लोन लिया है, जो कि सीधा इंपैक्ट PSU सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। क्यों हुई ना घबराहट आपको? चलो चिंता मत करो, ये हुई नेगेटिव साइड, अब मैं इसका पॉजिटिव साइड भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको आसानी होगी डिसीजन लेने में कि आपको करना है तो क्या करना। इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट और है, यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा दबाव इस कंपनी के ऊपर है, जिसके लिए इन्होंने FPO लॉन्च किया है एंजल इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे इनका मानना है कि 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये अपने FPO एंजल इन्वेस्टर से इकट्ठा करेंगे, जिससे इनकी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो भी तुरंत सॉल्व होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी। एंड ऑफ द डे जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये रहेगा, हमने फिगर एंड फैक्ट्स दोनों को समझने की कोशिश करी है, जहां पे मैं ये बिलीव करूंगा कि भैया मैं फिरंगी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करूंगा,
इस पैनिक में मेरे को पैनिक नहीं होना, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, सेबी की पूरी टीम लगी हुई है, इसके ऊपर काम कर रही है, उनका एक्शन देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तब जाके मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे करना है तो क्या करना है। अदरवाइज आई डोंट बिलीव एनी फिरंगी अटैक। दूर रहना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक अटैक किस तरीके से, तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, इससे पहले भी दिए गए, उसके बाद उसका हिस्ट्री परफॉर्मेंस भी दिखाया, सो दैट हम लोगों को भी स्टे कॉन्शियस, आपको वेट करना चाहिए, सही टाइम का मौका का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इसी स्टॉक्स के अंदर पैसा बनेगा नहीं बनेगा आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान शब्दों में पार्ट टू में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज इसका पार्ट वन देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत चीज समझ में आएगा कि ये फिरंगी कंपनी करती क्या है, क्या इसके ऊपर भी एलिगेशन लगे, पार्ट वन में मैंने बताया हुआ है। ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलेगा, और हाँ शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं आपसे शेयर करता रहूं, अपना किंग रिसर्च का ओपिनियन आपसे मैं शेयर करता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।